दोस्तों आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को नेस्तनाबूद कर दिया और अब ऐसे में फैंस और भी ज्यादा उत्सुक है कि क्या भारतीय टीम दूसरे मैच में भी जीत हासिल करके सीरीज को अपने नाम कर पाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में कौन बेहतरीन हिटर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 18 जुलाई को कोलंबो के मैदान पर खेला गया था। भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस मुकाबले में इतना बेहतरीन रहा कि टीम ने 80 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में इस तरह बल्लेबाजी करी मानो T20 क्रिकेट खेल रहे हों और शिखर धवन ने बड़ी शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए सभी का दिल जीत लिया। लेकिन अब होने वाला है दूसरा वनडे मुकाबला, दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होगा। जब भारतीय टीम सीरीज को जीतने के लिए इस मुकाबले को खेलने मैदान पर उतरेगी, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के पास मौका होगा इस सीरीज को बचाने का। वैसे पहले वनडे मैच में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर है। बता दें भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 20 जुलाई को कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार इस मुकाबले का सीधा प्रसारण 3 बजे से सोनी चैनल पर किया जाएगा और आपको इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है तो आप सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में देखनी है तो आप थोप टीवी या फिर पिकाशो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद ही अहम और रोमांचक होने वाला है क्योंकि युवा खिलाड़ियों ने अपने बल्लेबाजी से यह बता दिया है कि उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो किसी भी देश में जाकर उनकी टीम को जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखते हैं। बता दें जिस तरह से इन युवा खिलाड़ियों ने पहले वनडे मुकाबले में प्रदर्शन किया, दूसरी टीम की प्लेइंग 11 में तो बिल्कुल भी बदलाव करने की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि शुरुआत में पृथ्वी शो और शिखर धवन ने एक बार फिर से वैसी शुरुआत करी जैसे वो IPL में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में किया करते थे। और किसी भी बड़े स्कोर की नींव रखने के लिए ये जरूरी होता है कि शुरुआती बल्लेबाज टीम को एक बेहतर शुरुआत दिलाए। पृथ्वी शो और शिखर धवन ने टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरकर ये साबित कर दिया है कि वो उच्च श्रेणी के बल्लेबाजों में से एक है। वहीं इसी के साथ युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरह से प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ था। लेकिन अब देखना ये होगा कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी वो अपना जलवा बरकरार रख पाते हैं या नहीं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव जैसे खतरनाक बल्लेबाज टीम में अपनी धाक जमा चुके हैं और अब इन युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी में तो टीम में बदलाव होना भी अब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। वैसे शिखर धवन की कप्तानी में जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, आप सभी को क्या लगता है, क्या दूसरे वनडे मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम वनडे सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।